नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम साथ मिलकर पाल लघु चित्रों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पॉज। ये पाल लघु चित्र एक बहुत ही खास पेंटिंग स्टाइल है जो 10वीं सदी में बौद्ध धर्म के महायान समुदाय ने बनाई थी। पॉज। इन लघु चित्रों का सबसे पुराना उदाहरण हमें अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता नाम की पांडुलिपि में ताड़ के पत्तों पर मिलता है। पॉज। रेगना महिपाल के राज में बनी इस पांडुलिपि में बड़ी ही खूबसूरती से बनाए गए चित्र हैं जो महायान बौद्ध धर्म की कहानी बयां करते हैं। पॉज। जैन लघु चित्रों की तरह पाल लघु चित्र भी कुछ खास परंपराओं को मानते हैं। पॉज। इनमें आकृतियों को नर्म बाहरी रेखाओं से बनाया जाता है जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। पॉज। पाल लघु चित्रों को बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। पॉज। सबसे पहले ताड़ के पत्तों को करीब एक महीने तक पानी में भिगोया जाता था। पॉज। फिर उन्हें निकालकर सुखाया जाता था और शंख से रगड़कर चिकना बनाया जाता था। पॉज। इसके बाद पत्तों को आयताकार टुकड़ों में काटा जाता था। पॉज। एक मजेदार बात यह है कि पहले इस्तेमाल किए जाने वाले भंगुर पत्तों को बाद में श्रीतादा नाम के बेहतरीन ताड़ के पत्तों से बदल दिया गया। इसके बाद कलाकार बड़ी ही बारीकी से इन मैन्युस्क्रिप्टों पर चित्र बनाते थे। पॉज। इन चित्रों में बौद्ध धर्म की अलग अलग कहानियां और चिन्ह उकेरे जाते थे। पॉज। हर चित्र के पीछे एक कहानी होती थी जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अंदर समेटे हुए थी। पॉज। तो दोस्तों, ये थी पाल लघु चित्रों की दुनिया की एक झलक। पॉज। इतिहास के इन खजानों के बारे में जानने की हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है। पॉज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पॉज। धन्यवाद।